पूर्व सांसद आनंद मोहन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और खबर यह है कि आनंद मोहन अब जेल से बाहर आ रहे हैं। दरअसल सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर देखें तो सरकार ने जो बातें कही हैं उस हिसाब से राज्य में दंडादेश परिहार परिषद दिनांक 20/4/23 को आयोजित बैठक में 14 वर्ष की वास्तविक संसीमन अवधि गुजारने वाले आजीवन कारावास प्राप्त बंदियों को मुक्त किए जाने की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा ऐसे बंदियों को मुक्त करने का निर्णय लिया जाता है और जिसमें कई लोगों का नाम शामिल है। बात की जाए तो 27 ऐसे लोग हैं जिसमें पूर्व सांसद आनंद मोहन भी हैं। दरअसल आनंद मोहन के समाज को साधने की कोशिश लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ऐसे में शुरुआत के समय में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हुई थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार की सरकार की वजह से आनंद मोहन जेल में है। सजा पूरी होने के बाद भी वो लगातार सलाखों के पीछे हैं, सजा काट रहे हैं। तो अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये है कि आनंद मोहन अब जेल से बाहर आ रहे हैं। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, 27 लोग बाहर आएंगे। आपको बता दें कि उनकी पुत्री की शादी हुई थी, उस दरमियान भी उन्हें बाहर भेजा गया था, उन्होंने अर्जी लगाई थी और शादी को लेकर उन्हें बाहर लाया गया। लेकिन वही बात की जाए तो अब उनके पुत्र राष्ट्रीय जनता दल से विधायक चेतन आनंद की शादी है जिसको लेकर आनंद मोहन और पूरा उनका परिवार खुश है, वो बाहर आ रहे हैं। लेकिन ये अल्प अवधि की बाहर आने की बात जैसे ही उनके परिवार के लोगों के पास पहुंचती है कहीं ना कहीं वो लोग निराश हो जाते हैं और बार बार चर्चा होती है कि आनंद मोहन को सरकार जेल से कब छोड़ेगी, इसलिए कि उनकी सजा पूरी हो चुकी है। खासतौर पर बिहार में राजपूत समाज के वोटरों को साधने के लिए जनता दल यूनाइटेड ने एक बड़ा रोड मैप बनाया है और कहीं ना कहीं इसी के जरिए अब पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से बाहर आ रहे हैं। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, 27 ऐसे लोग हैं जिन्हें बाहर किया जा रहा है, लेकिन इन 27ों में मुख्य केंद्र बिंदु आनंद मोहन बने हुए हैं, इसलिए कि गोपालगंज मामले को लेकर उनका नाम सामने आया था और कई लोग आनंद मोहन को लेकर अलग अलग तरीके से व्याख्यान कर भी रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।